नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र स्टेट इंडिया। आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। माय व्हाट्सएप नंबर फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन एंड पेड ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आयुर्वेदा 9226810630। ओके, आज का वीडियो के जो है उसका विषय इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऐसा बहुत बार पूछा जाता है, क्या आपके बीएमएस कोर्स में सर्जरी आप लोग करते हैं? बीएमएस वाले लोग, डॉक्टर्स लोग सर्जरी करते हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए सब लोगों को कि आयुर्वेद का जो कोर्स है, जिसको अष्टांग आयुर्वेद कहते हैं, उसमें 8 ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेदा है, 8 स्पेशलिटीज है हमारी। कौन सी कौन सी है? काय, बाल, गृह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्ट्रा, जरा, वृषांग। मैं उसके ज्यादा तफशील में, डिटेल में नहीं जाना चाहता। फिलहाल काय चिकित्सा का मतलब होता है इंटरनल मेडिसिन, और शल्य चिकित्सा का मतलब होता है सर्जरी। तो आयुर्वेद के कोर्स में सर्जरी मौजूद है, नंबर 1। नंबर 2, आयुर्वेद के जो इंटरनल मेडिसिन काय चिकित्सा का जो प्रमुख साइंटिस्ट हो गया है, जो बहुत ही संहिता, उसकी बुक जो है रेफरेंस बुक, वो बहुत फेमस है, उसका नाम है चरक संहिता, विच वॉज रिटन 5000 ईयर्स BC, बट द आयुर्वेदा इज अपडेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द डिफरेंट अथॉरिटीज ऑफ आयुर्वेदा। हाँ, लाइक जैसे कि पहले चरक था, सुश्रुत था, देन वाग्भट संहिता, देन माधव निदान, देन योग रत्नाकर। अभी तो सभी कॉलेजेस में एमडी और एमएस चल रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स कर रहे हैं, उनके साथ कुछ रिसर्च चल रहा है, और जाने माना रिसर्च पूरा स्टैंडर्डाइजेशन तक आता है। हाँ, जो GMP नॉर्म्स होते हैं, हाँ, सब सब के सब स्टैंडर्डाइज्ड अभी हो गया है, और बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आयुर्वेद भरा पूर्ण है। तो बहुत सारे लोगों को एक क्यूरियोसिटी रहती है कि आयुर्वेद में सर्जरी ऐसी कुछ स्पेशल कुछ है क्या, आयुर्वेद की सर्जरी में? तो उसमें से एक नाम है जिसको बोलते हैं क्षार सूत्र चिकित्सा। हाँ, दिस इज वेरी सिमिलर टू द केमिकल कॉटरी। क्या बोलते हैं? केमिकल कॉटरी मतलब क्या होता है? इसमें हम अलग नाम से उसको पहचानते हैं कि नाइफ, आई एम सॉरी, सर्जरी विदाउट नाइफ, आप लिख कर रख सकती हैं, मतलब शस्त्र कर्म बिना नाइफ के सिवाय। तो ये बिना नाइफ के सिवाय हम जो शस्त्र कर्म करते हैं, तो उसके लिए एक क्षार सूत्र इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्षार सूत्र एक इंपॉर्टेंट आयुर्वेदिक मैनेजमेंट है, स्पेशली इन द सर्जिकल ब्रांच। ओके, तो इसके बारे में एक वेरी पॉपुलर इंस्टीट्यूट के द्वारा एक कोर्स लॉन्च किया गया है, जहां पर जो भी आयुर्वेदिक टीचर्स हैं, जो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, जो भी BMS किए हुए स्टूडेंट्स हैं, उनको इस इंस्टीट्यूट में जाकर ये क्षार सूत्र सीख सकते हैं। और इस सीखने के बाद इसका जो इस्तेमाल करना है आपको आपके पेशेंट्स में, तो ज्यादातर पाइल्स के जो पेशेंट, जिसको बवासीर बोलते हैं, आगे चलकर जो भगंदर नाम की एक बीमारी होती है, जिसको फिस्टुला इन एनो कहते हैं, ठीक है, दूसरी एक बात होती है कि और कुछ ट्यूमर्स वगैरह होते हैं, सिस्ट होते हैं, तो ये बहुत सारी जगह पर एक क्षार सूत्र, मतलब एक मेडिकेटेड थ्रेड होता है, वो लगाने से अपने आप विदाउट एनी कटिंग, विदाउट एनी इन्वेजिव मैनेजमेंट, यू कैन क्यूर, आप ये इसके ऊपर, बवासीर के ऊपर या भगंदर के ऊपर अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मॉडर्न के जो सर्जन्स है, वो भी अब ये आयुर्वेद के एक क्षार सूत्र ट्रीटमेंट सीख रहे हैं। तो मैं अपील करता हूं, ऑल द आयुर्वेदिक एंड एलोपैथिक डॉक्टर्स, दे कैन अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर वीडियो, दे कैन नोट डाउन ऑल दिस थिंग्स, एंड दे कैन डेफिनेटली लर्न दिस क्षार सूत्र चिकित्सा इन ए वेरी इंटरेस्टिंग मैनर। सो लेट अस सी द फर्दर, दिस इज अ पर्टिकुलर वेबसाइट, ऑलवेज कीप ऑन वॉचिंग दिस वेबसाइट फॉर टाइम टू टाइम अपडेट्स। ये वेबसाइट, आई एम सॉरी, दिस इज समथिंग अनदर वेबसाइट, बट आई विल करेक्ट जो वेबसाइट है इसकी, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये देखिए, थोड़ा सा ये PDF जो है वो बड़ा कर देते हैं, तो आप पढ़ सकेंगे कि एक क्षार सूत्र जो है ना, वो कौन पढ़ाने वाले हैं, कहाँ पर आप सीख सकते हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एक जानी मानी संस्था है, ठीक है, ये एक क्षार सूत्र सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च कर रही है। इसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, जयपुर, NIA जयपुर, राजस्थान में इंस्टीट्यूट है, एपेक्स इंस्टीट्यूट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। इसको आयुष की मान्यता है, गवर्नमेंट की मान्यता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की मान्यता है, और ये इंस्टीट्यूट बहुत ही, बहुत मतलब बहुत फेमस है। तो इसमें ये कोर्स अभी चालू कर रहे हैं वो, तो इस कोर्स के बारे में मैं आपको ज्यादातर बताने वाला हूँ, ये बाकी का जो इधर उधर का डिस्क्रिप्शन है वो मैं नहीं आपको बताने वाला। क्षार सूत्र सर्टिफिकेट कोर्स फॉर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, ऐसे उन्होंने बताया। ये देखिए, ये जो रेड कलर वाला मैंने बनाया है, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। क्षार सूत्र थेरेपी
इज ए मिनिमल इन्वेजिव आयुर्वेदिक पैरा सर्जिकल प्रोसीजर। ये एक प्रकार की जो शस्त्र कर्म चिकित्सा होती है, मतलब नाइफ नहीं लगाते हम, टाइम टेस्टेड आयुर्वेदिक टेक्निक। बहुत साल से ये चलता आया है और अभी भी बहुत सारे लोग उसका फायदा ले रहे हैं। ये दो तरीके से पेशेंट को क्या होता है कि ज्यादा टाइम हॉस्पिटल में रुकना नहीं पड़ता, ज्यादातर रिकरेंस जो रेट होता है, पुनः पुनः बवासीर की शिकायत, पुनः पुनः बगंदर होने की शिकायत, वो नहीं होती। ज्यादातर हम बोलते कि जो हाई लेवल फिस्टुला होते हैं ना, तो हाई लेवल फिस्टुला में जब शस्त्र कर्म करते हैं तो कई कबार वो स्पिंटर्स कट होने से इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, मतलब बिना समझे वो पेशाब पेशेंट को हो सकती है बाद में। इट्स लाइक ए कॉम्प्लिकेशन टू द ट्रेडिशनल सर्जरी। तो इसके लिए एक बेहतरीन पर्याय आयुर्वेद ने दिया है, उसको बोलते हैं क्षार सूत्र। सो दिस इज सेफ, ये सुरक्षित है, श्योर है, 100% इसके रिजल्ट मिल रहे हैं और कॉस्ट इफेक्टिव। इसका खर्चा बहुत, मतलब बहुत कम आता है। जो मॉडर्न में हम फिस्टुलेक्टोमी करते हैं या हिमोरॉयडेक्टोमी करते हैं ना, जो मॉडर्न की सर्जरी करने के लिए जो खर्चा आता है उसके कई गुना लेस, बहुत कम खर्चा ये क्षार सूत्र ट्रीटमेंट को आता है। तो पेशेंट भी आपके पास ज्यादा आते हैं तो उसके द्वारा हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो हैं वो भी ज्यादा कमाई कर सकते हैं, उनको इनकम ज्यादा हो सकता है। साइड बाय साइड फिस्टुला इन्हेनो के लिए काम करते, बगंदर, हिमोराइड्स का मतलब बवासीर, और अदर साइनस डिसीजेस। ये जो कोर्स बनाया है सर्टिफिकेट कोर्स है, देखिए आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला है, प्रमाण पत्र मिलने वाला है। ये 45 डेज का कोर्स उन्होंने बनाया है, ऑफर्ड बाय एनआई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, इन द डिपार्टमेंट ऑफ शल्य तंत्र। शल्य तंत्र का मतलब होता है सर्जरी। दिस कोर्स इज फॉर आयुर्वेदिक ग्रेजुएट, जो भी BMS डॉक्टर्स हैं उनके, कौन सी भी यूनिवर्सिटी के हो, कौन सी भी स्टेट्स के हो, वो सब उधर जाकर वो ये कर सकते हैं। प्रैक्टिशनर जो भी हैं, मतलब BMS हो चुका है और वो फैमिली फिजिशियन है और वो चाहते हैं कि मैं ज्यादा इनकम के लिए, ज्यादा लोगों की सेवा करने के लिए चार सूत्र सीखना चाहता हूं, तो इनके लिए एक बहुत बढ़िया सुविधा संधि उपलब्ध है। मेडिकल ऑफिसर्स, कई जगह पर आप काम करते होंगे या PhD में होंगे, गवर्नमेंट सर्विस, प्राइवेट सर्विस में मेडिकल ऑफिसर है, आयुर्वेदिक कॉलेज के जो टीचर्स है, फैकल्टी है सर्जरी डिपार्टमेंट के, उन लोगों को ये फायदा हो सकता है और जो संशोधक है, रिसर्चर्स है, उनको भी ये फायदेमंद हो सकता है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स टू प्रोवाइड द अप्लाइड नॉलेज, मतलब प्रैक्टिकल आपको सिखाने वाले हैं, क्षार कर्म, क्षार सूत्र एंड देयर एप्लीकेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ एनोरेक्टल डिसऑर्डर। गुद के परिसर में जो व्याधि होते हैं, गुदगत व्याधि जिसको बोलते हैं ना, उसके लिए स्पेशली इन द ट्रीटमेंट ऑफ फिस्टुला इन एनो, बगंदर, हिमोरॉइड, बवासीर एंड अदर साइनस डिसीजेस। टाइप ऑफ द कोर्स, 45 डेज सर्टिफिकेट कोर्स विल बी हाइब्रिड लर्निंग प्रोग्राम विथ पीरियोडिकल असेसमेंट। ये देखिए बार बार आपकी टेस्ट की जाएगी, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आउटकम ऑफ द कोर्स, द कैंडिडेट गेट्स टू लर्न फ्रॉम द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड, बहुत अनुभवी लोग आपको पढ़ाएंगे, बेस्ट फैकल्टी अलॉन्ग विद गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। एवरी कैंडिडेट अंडरगोइंग द कोर्स विल बी प्रोफिशियंट, वो मतलब बिल्कुल कॉम्पिटेंट हो जाएगा, मातब्बर हो जाएगा, स्किल उसके हाथ में आ जाएगा क्षार सूत्र थेरेपी करने के लिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एलिजिबिलिटी क्या है, BMS फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कौन सी भी, पूरे भारतवर्ष में आप कहाँ भी हो, महाराष्ट्र स्टेट के, साउथ इंडिया, कहाँ भी हो, आप यहाँ कोर्स कर सकते हैं। 45 डेज का है, 30 डेज ऑनलाइन थेरी क्लासेस हैं और 15 डेज आप प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आपको मिल जाएगा। ये 30 दिन आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन भी क्लासेस कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स एंड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब यहाँ ज्यादातर मेरिट की बात नहीं है, जितने जल्दी आप एनरोल कर देंगे, फीस भर देंगे, तो आपका नाम उधर एनरोल हो जाएगा। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश और हिंदी है, मतलब लोकल लैंग्वेज नहीं, इंग्लिश और हिंदी जो नेशनल तरीके से काम आते हैं। टोटल 150 सीट्स उनके पास है, 50 पार्टिसिपेंट्स इन ईच बैच, ऑनलाइन थेरी क्लासेस के लिए मतलब 3 बैचेस हो जाएंगे, फॉलोड बाय 15 पार्टिसिपेंट्स पर बैच इन ए प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। सर्टिफिकेट 3 असेसमेंट्स विल बी डन, मतलब 45 डेज में हर 15 दिन के बाद एक परीक्षा ली जाएगी आपकी। सर्टिफिकेट विल बी प्रोवाइडेड टू द ट्रेनीज आफ्टर कंप्लीट ऑफ द कोर्स। जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस विल बी फॉलोड एज पर द NIA, जो कॉलेज के रूल्स है उसके ऊपर। एप्रन, व्हाइट एप्रन और यूनिफॉर्म इज इंस्ट्रक्टेड। बोर्डिंग एंड लॉजिंग पार्टिसिपल विल अरेंज बाय देयर ओन, मतलब ये कॉलेज नहीं करने वाला, आपके आप खुद करने वाले हैं। ये देखिए कोर्स करिकुलम में क्या आ जाता है, सर्जरी इन आयुर्वेदा, अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ रेक्टम, जब शरीर रचना पढ़ाएंगे, क्रिया भी पढ़ाएंगे, कैसी फिजियोलॉजी है उसकी, डायग्नोसिस कैसे करते हैं, प्रिपरेशन कैसे करते हैं, क्षार सूत्र कैसे बनाते हैं, प्रिपरेशन ऑफ द प्रतिसारणीय तीक्ष्ण क्षार, जो भी अल्कलीज होते हैं, स्ट्रॉन्ग अल्कलीज, डायग्नोस्टिक मोडालिटीज कैसे डायग्नोसिस करेंगे, उसके बाद एनेस्थेशिया कैसे दिया जाता है, उसके बाद नाड़ीव्रण का मतलब क्या है, बगंदर पीड़का का, बगंदर फिस्टुला, इस सब की आपको इंटीमेशन दी जाएगी, इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, कब कर सकते हैं कब नहीं कर सकते हैं,
कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला एंड देयर मैनेजमेंट, प्रॉब्लम्स एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्षारसूत्र थेरेपी, वुंड मैनेजमेंट, देन एडजुवेंट मेजर्स ड्यूरिंग द क्षारसूत्र, अर्श के बारे में, हिमोरॉइड्स के बारे में, क्षारकर्म इन एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स, देन प्रति परिकर्तिका, फिशर इन एनो बोलते हैं, देन गुदभ्रंश, रेक्टल प्रोलैप्स, यूज एंड अब्यूज ऑफ लैक्सेटिव्स, एनाल्जेसिक्स एंड एंटीबायोटिक्स, रिसर्च वर्क डन, जो कि उसके ऊपर संशोधन हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, और फाइनली असाइनमेंट फिलिंग अप ऑफ एप्लीकेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो है ना, मैं साइट वो आपको दे दूं, देने वाला हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये आपको मिल जाएगी। तो एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी फिल्ड एंड सबमिटेड ओनली ऑनलाइन मोड फ्रॉम आवर वेबसाइट, फॉर्म सबमिटेड इन अदर मोड विल नॉट बी कंसिडर, जो आप पोस्ट से भेजेंगे, फास्ट कुरियर से भेजेंगे, नहीं चलेगा, या ऑनलाइन ही भरना है आपको, ठीक है, एंड वो भी रिजेक्ट किए जाएंगे। एप्लीकेशन फीस ओनली 500 रुपीज है, ये एप्लीकेशन फी है, ध्यान से सुनिए, कोर्स की फी नहीं है, ठीक है। एप्लीकेशन फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड, ये नॉन रिफंडेबल है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल अवेलेबल, ये सब दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इनवैलिड एप्लीकेशन है ना, मतलब एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द क्लोजिंग डेट एक्सेट्रा। ये जल्दी जल्दी में, अभी आज 27th of May है ना, कम से कम ये देखिए 3 वीक्स आपके पास है, 25th जून को ये लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है, आप इसके बाद एप्लीकेशन नहीं कर सकेंगे। तो ये वीडियो देखने के बाद तुरंत आपको वेबसाइट पर जाकर फॉर्म डाउनलोड करना है। फीस कैसे देनी है, ये देखिए, कोर्स फी इंडियन नेशनल्स के लिए क्या है, 20,000, 45 डेज के लिए आपको सब सभी के सभी पीढ़ा पढ़ाया जाएगा, तो इसके लिए 20,000 सिर्फ आपको फी है, 500 रुपये अलग है, वो फॉर्म के लिए है, ठीक है। तो ये सब कोऑर्डिनेटर जो भी हैं, और ये प्रोफेसर हेड एंड डीन जो पीजी स्टडीज के, उन्होंने ये, हेमंत कुमार ने ये पीडीएफ सर्कुलर आपके लिए बनाई है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त, आपको एक बहुत सुसंधि, एक बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी है, चार सूत्र पढ़ने के बाद आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, आप पेशेंट्स को सोशल सर्विस भी दे सकेंगे, और अच्छी अच्छी खासी कमाई भी हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि मेडिसिन के बजाय सर्जरी जब आप करते हैं तो आपका इनकम भी ज्यादा होता है, क्योंकि पैसे भी ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं पैसे के बजाय आपको बताता हूँ कि सोशल वर्क के लिए और लोगों की सेवा करने के लिए क्षार सूत्र का ट्रीटमेंट सीख लेना, ये बहुत ही अच्छी बात है। आई होप दैट दिस वीडियो यू विल शेयर विथ योर फ्रेंड्स हु आर नीडी, एंड ऑल्सो इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन डेफिनेटली ऑल द टाइम व्हाट्सएप ओनली ऑन 9226810630। कृपा करके फोन के बजाय आप व्हाट्सएप करते रहिए, और प्रेस द बेल बटन आइकॉन सो यू कैन गेट द इंटीमेशन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग वीडियोज बाय प्रोफेसर डॉक्टर आर आर देश पांडे। I wish all the best. Take care and see you in the next.